Yam Shaiva Samupasate Shiva Iti Brahmeti Vedantino Buddha Buddha Iti Pramana Patava Karte Tinayayika. Arahan Nityatha Jaina Shasana Rata Karmeti Mimansaka Soyambo Vidadhatu Vanchita Phalam Trailokyanatho Hari Nandanandan Padarabindayo Syandaman Makarandabindava Sindhava Paramasau Sampadam Nandayam Tu Hridayam Mama Nisham. Nama Kamalana Nama Kamalama Line Nama Kamalapada Namaste Kamalekshana Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo Vai Vedanshya Prahinoti Tasmai Tagvangha Devamatma Buddhi Prakasham Mumukshuru Vai Saranamaham Prapadde Jiva Tattva Jigyasu Jivatmao. Niyamanusar thodi der Harinam Sankirtan kar lijiye. Paschat Vishay Prarambh hoga. Bhajogiri Dhaya Govinda Gopala
जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान के हेतु अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी गूढ़ प्रश्न के समाधान के लिए हमें ऐसी पर्सनैलिटी को ढूंढना पड़ेगा जिसमें माइक दोष न हो, अर्थात भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटो, ये चार माइक दोष होते हैं जो सभी व्यक्तियों में होते हैं, किसी में कम किसी में अधिक। अतएव उनका मत भौतिक मत कहलाता है, अर्थात कुछ अंश में सही भी हो सकता है और अधिक अंश में गलत होता है। उनके ग्रंथ भी कृत ग्रंथ कहलाते हैं और वे ग्रंथ प्रमाण स्वरूप नहीं होते। उनके कुछ अनुयायी उसको प्रमाण रूप में मानते हैं, लेकिन वो सार्वभौम मान्य, निर्विवाद मान्य प्रमाण नहीं है। अतएव कृत ग्रंथ को छोड़कर स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ, इन दोनों के द्वारा विचार करना है और किया गया। विनिर्गत ग्रंथ तो केवल एक है, वेदोपनिषद, और स्मृत ग्रंथ बहुत से हैं जो महापुरुषों के अनुभव के द्वारा लिखित हैं, वे भी प्रमाणीभूत हैं, क्योंकि ये चार दोष
उनमें नहीं है, वे मायातीत हैं। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद वो निर्दोष हो जाता है, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है। अतएव उसका प्रमाण विनिर्गत ग्रंथ वेद के प्रमाण के समान माना जाता है, क्योंकि उसका प्रत्येक वाक्य वेद के प्रमाण के अनुसार होता है और अनुभूत होता है। अतएव हमने विचार किया, पहले वेदों के द्वारा उपनिषदों के द्वारा, तो पता चला कि हमारे अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान एक माया, और इस प्रश्न के समाधान के लिए यद्यपि हमारे विश्व में अनंत वादों का विवाद सदा से चला आ रहा है, वादों को यदि गिना जाए तो एक पुस्तक बन जाए, इतने वाद के नाम हो गए हैं। अरे और तो और, जो हमारे भारत में मान्य वैदिक वाद है इसमें भी सैकड़ों वाद हो गए हैं, और लोग आपस में लड़ते हैं। अब एक विष्णु वाद को ही ले लो, श्री कृष्ण के विषय में ही हम आपको सब सिद्धांत बता रहे हैं, वे ही सुप्रीम पावर हैं, लेकिन उनके विषय में भी वेदांत गीता आदि ग्रंथों के भाष्यों में विवाद चल रहा है। जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, और रोज बनते जाते हैं। कुछ स्वार्थी लोग भी बना देते हैं, हमारे फॉलोअर हो जाएंगे, हमारा नाम रहेगा मरने के बाद। है तो ये भौतिक, लेकिन अध्यात्म बाद में नाम लिखाने के लिए नए नए बाद बनाते हैं। लेकिन हम यद्यपि बदनाम हैं, लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से पूछते हैं कि जब हमारे अतिरिक्त दो ही तत्व है, एक भगवान एक माया, तो फिर तीसरा बाद कैसे बन गया और क्यों बन गया? एक भगवान वाला बाद और एक माया वाला बाद, ये बाद का मतलब क्या है? हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? मैंने बहुत बार समझाया है, हम अनंत दिव्य अनंतकालीन आनंद चाहते हैं, नेचुरल, क्योंकि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं, यही तो हमारा लक्ष्य है, इसी के लिए तो सब बाद बन रहे हैं। तो जब दो ही तत्व बचे तो दो ही बाद हो सकते हैं, एक का नाम अध्यात्मवाद
एक का नाम भौतिकवाद, यानी एक श्री कृष्णवादी एक मायावादी, यानी हमारा सुख श्री कृष्ण में ही है, एक बात ये हो गया, और हमारा सुख संसार में ही है, एक बात ये हो गया। बड़ी सीधी सी बात तो है, गधा भी समझ जाए। इसके अतिरिक्त बात क्यों बनाए जा रहे हैं? और अगर किसी के नाम से बात चलते हैं तो फिर भौतिक बाद में भी अनंत जीव हुए हैं होंगे, इनके सबके बाद बन जाएंगे, और अध्यात्म बाद में भी अनंत महापुरुष हुए हैं, सब अपने अपने नाम से बाद चला दे। जैसे शंकराचार्य का बाद चल रहा है, शंकराचार्य का बाद क्यों चला रहे हो? उनके शिष्यों से पूछो, वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्या वो सृष्टि के आदि के हैं? क्या उनके गुरुजी नहीं थे? थे हाँ। तो ये गुरुओं की परंपरा कहां से शुरू हुई? तो आप वहीं पहुंचेंगे श्री कृष्ण के पास। उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, दिया ब्रह्मा पैदा तो हो गया भगवान की नाभि से, लेकिन वो यही नहीं समझ सका मैं कहां से आया। उसी नाल में समाधि के द्वारा घुस गया पता लगाने को, और हजारों वर्ष पता लगाता रहा। ताम नाध्य गच्छत संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया 3638 भागवत। सामने वेद प्रकट हुआ भगवान के श्रीमुख से, श्वास से निकल गया, लेक्चर नहीं दिया वेद का। ये सनातन शब्द हैं वेद के, प्रकट हो गए। जैसे ब्रह्मा प्रकट हुआ ऐसे वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा, नहीं समझ सका। वेद को ब्रह्मा नहीं समझ सका, और आजकल बड़े बड़े भौतिकवादी चैलेंज करते हैं इस वेद मंत्र का यही अर्थ है, ऊटपटांग अर्थ किए जा रहे हैं अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसी वेद के द्वारा करोड़ों हत्याएं होने लगी, बलि। तो बुद्ध का अवतार हुआ और भगवान ने कहा वेद ओद कुछ नहीं होता। लो, वेद ही के विरुद्ध बोले भगवान स्वयं। क्यों? इसलिए कि उसी वेद को आधार मान करके लोग हिंसा करने लगे। आज भी बहुत से मंदिरों में भैंसे बकरे काटे जाते हैं, निर्जीव निरीह जीवों की हत्या होती है। इससे देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, खोपड़ा जी खुश हो जाएंगे। अरे तुम ही तो एक दिन पशु बने थे, अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई तलवार चलाता
या चलाया होगा तो कैसा लगा होगा, इससे भगवान खुश होंगे। तो वेद के अर्थ करने वाले आजकल अपनी अपनी चित्त वृत्ति और अपने अपने लक्ष्य के अनुसार अर्थ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, कौन रोकेगा। तो ब्रह्मा नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यंत यत सूरया, भागवत के पहले ही लिख दिया। उन भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा को वेद ज्ञान कराया, तब ब्रह्मा ने और अपने बच्चों को वेद ज्ञान कराया, बच्चों ने अपने बच्चों को, बच्चों ने अपने बच्चों को, और इस प्रकार कराते 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 कलयुग आया। तो इसमें शंकराचार्य को कराया गोविंदाचार्य ने, फिर शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कराया। तो शंकराचार्य के अनुयायी क्यों कहते हो हमें, तुम वही बोलो ना, हम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप श्री कृष्ण का ही तो है कि और कोई बन गया निर्गुण निराकार ब्रह्म। ये ज्ञान मार्ग माने क्या, भगवान का भक्त और भक्ति मार्ग वाले का नाम भी भगवान का भक्त। मैंने आपको बताया था ना, भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार एक साकार। अरे आपके दो रूप हैं भगवान की छोड़िए, एक आप निराकार हैं जो मां के पेट में आ जाते हैं शरीर में और इस शरीर से फिर चले जाते हैं, उसी को आप लोग कहते हैं वो चला गया, वो मर गया। तो ये जो मैं है जिसके बारे में हम इतनी बड़ी विवेचना कर रहे हैं, ये निराकार ही तो है, लेकिन साकार शरीर धारण करके, और वो भी एक दो नहीं 84 लाख प्रकार के जलचर भेद, भूचर खेचर उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज, देखो कितने विचित्र विचित्र शरीर वाले जीव है। निराकार है सब, उस आकार शरीर धारण किए हैं। तो भगवान के बारे में कुछ लोग कहते हैं, अरे भगवान तो बस निराकार है, रह सकता है, वो साकार हो ही नहीं सकता बिचारा। यानी हम तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकता।